हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए अफोर्डेबल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती हॉल लेके आई हूँ, जिसे मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट की साइट से परचेज किया है। और आज के मेरे कलेक्शन में आपको डेली वियर, कैजुअल वियर, पार्टी वियर या फेस्टिव वियर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर आपको मेरे कलेक्शन में से ना कुछ तो जरूरी पसंद आएगा। और पसंद आता है तो सारे कुर्तियों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको एक सिंगल लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप उसे बाई कर सकते हो। और आज का जो मेरा कलेक्शन है वो अंडर 500 में है, तो काफी अफोर्डेबल है और आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसे एक थम्स अप दे देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती जो सुहानी ब्रांड की है, और ये मुझे 398 में मिली थी। मैं सारी कुर्तियों की प्राइस, साइज और उसकी ओरिजिनल पिक यही स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप देख लेना। तो चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो रेयॉन का मटेरियल है, काफी सॉफ्ट है, इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है, लाइट। यू कैन सी ये मस्टर्ड कलर की एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है। अगर नेक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको राउंड नेक मिल जाएगा, और स्लीव की बात की जाए तो स्लीव आपको 3/4 लेंथ की मिलेगी। लास्ट इन पे इन्होंने रेड कलर की पाइपिंग लगाई हुई है। नेट पे यहाँ पे आपको अच्छा खासा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। आप देख सकते हो पूरा आपका फ्रंट साइड में, यहाँ पे जब आप इसे वियर करो तो पूरे फ्रंट साइड में ये आपके एम्ब्रॉयडरी वर्क आएगा। एज यू कैन सी एम्ब्रॉयडरी वर्क की फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। मैं अभी आपको पास से दिखा, अब यहाँ देख सकते हो इसमें छोटे छोटे से फ्लावर एंड लीव्स बने हुए हैं, जिसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है। कोई भी थ्रेड ऐसा नहीं है कि निकले हुए हैं। मैं आपको अंदर के साइड से भी दिखा देती हूँ कि इसकी स्टेचिंग काफी अच्छे से की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वन वॉश करने पे इसका जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो खराब हो जाएगा। इसका नेक देख सकते हो, नेक पे काफी अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। उसके बाद यहाँ वेस्ट पे आपको एक डोरी मिल जाएगी टाई अप करने के लिए, ताकि वेस्ट पे फिटिंग अच्छी है और इसका जो फ्लेयर है वो भी निकल के अच्छा है। इस डोरी में आपको एक ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर के टैसल लटके हुए मिल जाएंगे। वेस्ट पे इन्होंने ये प्रोवाइड किया थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, जिसमें आप अपनी डोरी को टाई अप कर सकते हो। देन ये कुर्ती फ्लेयर हेम के साथ आती है। इस कुर्ती में आपको कोई भी स्लिट नहीं मिलेगा, और इस कुर्ती की लेंथ की बात की जाए तो ये नी लेंथ से थोड़ी सी नीचे की कुर्ती आएगी। और अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड ओवरऑल कुर्ती प्लेन है, तो पूरी कुर्ती प्लेन है, बस आपको यहाँ नेक पे ये एम्ब्रॉयडरी ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। आप रेड या ग्रीन कलर की लेगिंग के साथ, जैगिंग के साथ या पैंट के साथ पेयर अप कर सकते हो, या इसे ऐसे अकेले भी वियर करके एक मिडी ड्रेस का लुक दे सकते हो। आप डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो इसे, आप एज ए इंडियन आउटफिट की तरह भी स्टाइल कर सकते हो, और थोड़ा सा वेस्टर्न लुक देना चाहते हो तो इसे मिडी ड्रेस की तरह भी आप वियर कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, और मेरी तरफ से तो मस्ट बाय है, क्योंकि इसका कलर भी बहुत बढ़िया है, फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छा। मैं आपको एक कुर्ती दिखाने वाली हूँ, इसमें मेरा साइज स्मॉल है और ये दरगु ब्रांड का है। ये ब्यूटीफुल सा रेड कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, आप देख सकते हो। कुर्ता नहीं है ये, एक कुर्ती है, तो इसकी लेंथ वेस्ट से थोड़ी सी नीचे की है। अगर नेक की बात की जाए तो नेक आप देख सकते हो राउंड नेक मिलेगा, और स्लिप आपको इसमें फुल लेंथ की स्लिप मिल जाएगी। मटेरियल की बात की जाए तो इसका मटेरियल अगेन रेयॉन का है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और नेक पे आप देख सकते हो आपको ये ब्यूटीफुल सा अच्छा खासा लंबा चौड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा आपको लंबा चौड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क यहाँ नेक पे मिल जाएगा। अभी दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर की ब्यूटीफुल सी आपको बहुत ही अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगी, और थोड़ा सा मिरर वर्क वाला भी आपको डिटेलिंग मिल जाएगा। मिडिल में आपको ये व्हाइट कलर के बटन से डिटेलिंग मिलेगी, जो ओपन नहीं होते, सिर्फ शो के लिए हैं। और ये जो मिरर वर्क आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल मिरर नहीं है, जो सिल्वर कलर के वो पॉलिथीन वाले रैपर आते हैं ना, उस टाइप का है, ये ओरिजिनल मिरर नहीं है। एम्ब्रॉयडरी वर्क खत्म होता है वहां से, आपको थोड़ी थोड़ी प्लेट्स की डिटेलिंग मिलेगी, जिससे इसका लुक एक फ्लेयर, एक घेरा निकल के आता है कुछ इस तरह से। इसका बॉटम कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें कोई भी स्लिट आपको नहीं प्रोवाइडेड है, एक फ्लेयर हेम आपको मिलता है। अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड कुर्ती पूरी प्लेन है, बस वेस्ट से यहाँ पे अगेन आपको प्लेट्स की डिटेलिंग मिलेगी, जिससे इसका फ्लेयर हेम बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो कुछ इस तरह से ये पूरी कुर्ती है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो ये कुर्ती आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और फेस्टिवल के हिसाब से भी ये कुर्ती बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे जींस के साथ, लेगिंग के साथ, जैगिंग के साथ या ट्राउजर पैंट के साथ पेयर अप कर सकते हो, आपको काफी अच्छा लुक मिलेगा। साथ आप पैरों में कोई फ्लैट जूती डाल लो और साथ में कोई मैचिंग इयररिंग ले लो, तो आपको एकदम एथनिक और इंडो वेस्टर्न लुक मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो ये जो कुर्ती है वो नप्या ब्रांड की है, एंड इसमें भी मेरा साइज मीडियम था, ये भी अंडर 500 में ही है, और इसमें आपको दो कलर के ऑप्शन मिलेंगे, मेरा ग्रीन एंड रेड। इस कुर्ती के मटेरियल की बात की जाए तो रेयॉन का है, बहुत ही सॉफ्ट है गाइस, सच में इस कुर्ती का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, और एक हाई लो कुर्ती है, तो आपको एक मॉडर्न सा टच देती है। तो अगर इसकी नेक की बात की जाए तो राउंड नेक मिलेगा, और रेड कलर की नेक पे आपको पाइपिंग मिल जाएगी। ये कुर्ती स्लीवलेस है, पर अंदर आपको स्लीव इसका प्रोवाइड है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपको ग्रीन कलर का, पेस्टल ग्रीन कलर का अंदर आपको स्लीव मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे अंदर आपको ये स्लीव प्रोवाइड है हाफ लेंथ की, तो अगर आप इसे स्टिच करवाना चाहते हो तो स्टिच करवा सकते हो, या आप इसे ऐसे भी वियर कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक बटन की डिटेलिंग दी हुई है, ये बटन आप देख सकते हो कितना प्यारा है, एक छोटा सा क्यूट सा यहाँ पे एप्पल बना हुआ है।
ना आप देख सकते हो यहाँ से आपको कुछ इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी। ये अलग नहीं होता, यहाँ से ये स्टिच है, बस फ्रंट से ये थोड़ा सा जैकेट स्टाइल लुक देता है। यहाँ ऊपर ये बटन से स्टिच है, उसके बाद ये थोड़ा सा ओपन होता है, लेकिन साइड से ये स्टिच है तो थोड़ा सा आपको जैकेट स्टाइल वाला लुक देता है। अंदर आपको रेड कलर के क्लॉथ पे ये ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, पेस्टल ग्रीन कलर से ये एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। इस एम्ब्रॉयडरी वर्क की लेंथ बहुत ही ज्यादा, आप देख सकते हो पूरा नीचे तक आपको कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। और इस एम्ब्रॉयडरी वर्क में ना रेशम के थ्रेड से काम किया गया, तो काफी अच्छा खासा इसमें शाइन है, इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है। इसे टच करने पर खुद ही बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है। तो आप देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा आपको कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। मैं अभी आपको क्लियर पास से दिखाता हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड इसमें कितना ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। मुझे इस कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ही पसंद आई, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको मिल जाएगा। कुर्ती में आपको दोनों साइड स्लिट मिल जाएगा और ये कुर्ती हाई लो कुर्ती है। पीछे वाला जो आपका पोर्शन है वो थोड़ा सा हाई है और जो फ्रंट वाला बॉटम है वो थोड़ा सा लो है, तो ये कुर्ती एक हाई लो कुर्ती है। और इसका जो फ्रंट का बॉटम है ना वो भी एकदम मतलब स्ट्रेट शेप में नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल शेप में है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ओवल शेप में है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा ओवल शेप में आपको इसका बॉटम मिल जाएगा। और जो फ्रंट वाला बॉटम है वो थोड़ा सा लो है और पीछे वाला जो बैक साइड का है वो थोड़ा सा बैक साइड से ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखती है। फ्रंट साइड से आपको रेड कलर दिखता है और बैक साइड से आपको ये पेस्टल ग्रीन कलर मिल जाएगा और पूरी ओवरऑल प्लेन है। अगेन इसका जो बॉटम है बैक साइड में वो थोड़ा सा ओवल शेप में है, स्ट्रेट नहीं। तो मुझे तो ये कुर्ती काफी पसंद आई। और अगर आप भी कुछ इंडियन ट्राई करना चाहते हो पर उसमें थोड़ा सा मॉडर्न का तड़का देना चाहते हो ना, तो आप ये कुर्ती ट्राई करो, बहुत ही प्यारी लगेगी। आप इसे रेड कलर की लेगिंग या रेड कलर की जैगिंग के साथ पेयर अप कर सकते हो। और अगर आप स्लीवलेस पहनने में नहीं कंफर्टेबल हो तो इसमें अंदर स्लिप प्रोवाइड है, आप स्लिप भी स्टिच करवा सकते हो। और ये कुर्ती अंडर 500 में है तो मेरी तरफ से मस्ट बाई है, क्योंकि फेस्टिव वियर के ऑप्शन से या अगर आप किसी पार्टी पर्पज से भी खरीदना चाहते हो ना, तो ये कुर्ती बहुत ही अच्छा कुर्ती है। वो डेली वियर या कैजुअल वियर या अगर आप कहीं शॉपिंग वोपिंग जाते हो ना, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसका मटेरियल कॉटन का है और बहुत ही सॉफ्ट। और इस कुर्ती में आई थिंक आपको दो तीन कलर के ऑप्शन भी मिलेंगे, ये भी मेरा नेवी ब्लू कलर का है। पूरे ओवरऑल कुर्ती में आपको कुछ इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अगर पहले इसकी नेक की बात की जाए तो नेक आप देख सकते हो तो राउंड नेक है और नेक पे आपको ये पिंक कलर की पाइपिंग मिल जाएगी। स्लीव की बात की जाए तो स्लीव आपको 3/4 लेंथ की मिल जाएगी, स्लीव के लास्ट में अगेन आपको पिंक कलर की पाइपिंग मिल जाएगी। ये कुर्ती स्ट्रेट हेम के साथ आती है और इस दोनों मतलब दोनों साइड में इस कुर्ती में आपको अच्छा खासा स्लिट मिल जाएगा। तो अगर इसकी एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात की जाए तो फ्रंट साइड में पूरी कुर्ती पे आपको कुछ इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेंगे। ये आपको पिंक एंड गोल्डन कलर के एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेंगे, पिंक एंड गोल्डन कलर से इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाया जिसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। आप अंदर की साइड देख सकते हो कोई भी थ्रेड निकले नहीं हुए, मैशी नहीं हुए, तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पूरा आपको फ्रंट साइड में कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड ओवरऑल कुर्ती प्लेन है, पर फ्रंट साइड में आपको कुछ इस तरह का पूरे ओवरऑल कुर्ती पे आपको छोटे छोटे से एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएंगे जो इसके लुक को बहुत ही प्यारा बनाते हैं। और इसका जो कलर कम्बाइनेशन है ना, नेवी ब्लू एंड पिंक, वो जो कंट्रास्ट निकल के आता है ना, उससे उसका लुक बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। कभी आप पिंक कलर की लेगिंग या जैगिंग के साथ पेयर अप कर सकते हो। और बहुत ही पिंक लुक चाहिए तो आप पिंक कलर की चुन्नी भी साथ में ले सकते हो, पिंक कलर के बैंगल साथ में कैरी करो तो आपको एकदम फेस्टिव लुक मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये कुर्ती भी मस्ट बाई है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, ऑफिस गोइंग गर्ल हो, या फेस्टिव सीजन के हिसाब से भी ये कुर्ती बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ही प्यारा आप देख सकते हो। पूरी ओवरऑल कुर्ती पे फ्रंट साइड में आपको कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। मेरी कुर्ती है, इसमें भी मेरा साइज मीडियम है और ये आई थिंक मुझे 498 या 450 के अप्रॉक्स मिली थी। प्राइस और साइज सब यहीं स्क्रीन पे आप मेंशन है तो आप देख लेना। तो अगर इस कुर्ती की बात की जाए तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से आती है, इसमें आपको कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। नेक की बात की जाए तो राउंड नेक मिलेगा, स्लीव आपको 3/4 लेंथ का मिलेगा और स्लीव के लास्ट में आपको ये बेली स्लीव या आप कह सकते हो रफल की डिटेलिंग थोड़ी सी मिलेगी। इसके मटेरियल की बात की जाए तो रेयन का मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है और ये आप देख सकते हो थोड़ा सा रॉयल ब्लू और पेस्टल ब्लू का मिक्स है। इसमें आपको कलर के ऑप्शन भी मिलेंगे तो आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्रंट साइड में आपको कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा जिसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है और ये रेशम के थ्रेड से वर्क किया गया तो इसमें एक अच्छी खासी शाइन भी है। कुछ इस तरह से नेक पे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, आप देख सकते हो लीफ की डिटेलिंग बनी हुई है। इनका जो डिजाइन का पैटर्न है ना वो मुझे काफी पसंद आया, थोड़ा सा एंगुलर शेप में इन्होंने डिजाइन दिया हुआ वो मुझे काफी पसंद आया। उसके बाद से ओवरऑल कुर्ती आपको प्लेन मिलेगी। इस कुर्ती में दोनों साइड में आपको अच्छा खासा स्लिट मिल जाएगा, मैं अभी आप दोनों साइड आप देख सकते हो अच्छा खासा स्लिट है और ये कुर्ती स्ट्रेट हेम के साथ आती है।
बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड ये कुर्ती पूरी प्लेन है। कुर्ती में फ्रंट साइड में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, तो आप इसे वियर करोगे तो आप देख सकते हो कैसा लुक आएगा। और सारी कुर्ती को वियर करने पर लुक कैसा आ रहा है वो भी मैं यही साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप देख लीजिए। डेली वियर, कैजुअल वियर, या अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फेस्टिवल के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। फिर रेड एंड गोल्डन कलर के इन्होंने लीव्स बनाए हैं, फ्लावर्स बनाए हैं, जिसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। मैंने अभी तक जितने भी एम्ब्रॉयडरी वर्क दिखाया है ना, उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, कोई भी थ्रेड निकले नहीं हुए। आप देख सकते हो अंदर के साइड भी कोई भी थ्रेड मैशी नहीं है या निकले नहीं है, तो क्वालिटी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क की है और फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी। तो फ्रेंड यही था मेरा एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती का हाल, और अगर आपको एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तियाँ पहनना पसंद है ना, तो आई एम श्योर आपको इसमें से जरूर कुछ ना कुछ पसंद आया होगा, क्योंकि इतने अफोर्डेबल प्राइस में है। और अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे ऑफर चलने वाला है 16 अक्टूबर से, तो आपको ये कुर्ती हो सकती है और भी लेस प्राइस में मिले, तो जाके लिंक पे जरूर चेकआउट करना गाइज। और ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए ना तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।